वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ, आपके किसके लिए, जो आप में से एक्सक्लूसिवली अपर यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, अभी प्रीलिम्स को ना ध्यान में रख के मेंस के लिए मैंने बनाया है, यानी कि जो आपका मेंस बच्चों कब होने वाला है, इस साल अगर सब सही होता रहा तो 2023 में दिसंबर में जो है आपका मेंस जो है वो हो जाए। अब जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे कि अपर यूकेपीएससी मेंस की किस पैटर्न से तैयारी करें। क्या हम जो यूकेपीएससी का पैटर्न है, जो पिछला भी एग्जाम हुआ अभी हाल में, उसके पैटर्न से तैयारी करें, या जो यूपीएससी का पैटर्न है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या हम उसके पैटर्न से तैयारी करें? तो क्योंकि देखो, जो आप में से बिल्कुल चाहते हैं कि इसी साल जो है आपका ये सिलेक्शन हो, आपको अभी से अपने मेंस की जो है बच्चों को तैयारी शुरू कर देनी है। आपको ये नहीं सोचना कि जुलाई में जो है जब आप पेपर देंगे और उसके बाद जब आप अपना कैलकुलेशन करेंगे कितने सही हो रहे हैं, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। या आप में से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो जुलाई में एग्जाम देने के बाद प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करेंगे, और उसके बाद जब रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा, क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए और तब तैयारी करेंगे, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो चलिए, पहले जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, कि दोनों जो सिलेबस जो है पैटर्न है एग्जाम का, जो अभी का एग्जिस्टिंग है, जो अभी चेंज नहीं हुआ और जो चेंज होने वाला है, यानी कि यूपीएससी का, उन दोनों को एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे आपका मैंने ओल्ड पैटर्न रखा है अपने किसका, यूकेपीएससी, यानी कि अपर। मैं बार बार अपर बोल रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, लोअर आर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अपर यूकेपीएससी का पैटर्न, और ये हमारा जो है किसका पैटर्न है, यूपीएससी का, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो पैटर्न है मेंस का। ठीक है, तो देखिए, अभी का जो पैटर्न है उसमें जो आपका पहला पेपर है लैंग्वेज का, वो मैंने इसमें रखा नहीं है। इसमें भी पहला न्यू पैटर्न में भी लैंग्वेज, यानी कि जो आपका सिविल सर्विसेज का होता है उसमें भी एक लैंग्वेज का पेपर होता है, कॉमन होगा लैंग्वेज का, तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पर जो पहला पेपर है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें एंशियंट और मिडिवल मॉडर्न दोनों आए थे, नेशनल मूवमेंट और आपका सोसाइटी और कल्चर दे रखा है, जो अभी का पैटर्न एग्जाम हुआ है यूकेपीएससी मेंस। और जो एडॉप्टेड पैटर्न हो सकता है वो आपका हो सकता है, जो नंबर दो पे इसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो पहला पेपर है आपका जीएस का, एक तरीके से वो आपके अगर इससे रिप्लेस होता है, तो इसमें आपको दो चीजें एक साथ पढ़नी होंगी, वो है आपका क्या, पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री हो गया, वो आपको पढ़ना होगा, प्लस आपका जो ज्योग्राफी हो गया वो भी आपको पढ़ना होगा। यानी कि हिस्ट्री प्लस आपका जो ज्योग्राफी है, वो दोनों चीजें जो है वो आप लेके इसमें चलेंगे। ठीक है, और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, तो इसी पेपर के अंदर आपको दो पार्ट जो है ज्योग्राफी के कवर अप करने पड़ेंगे। एक तो आपका क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ ये जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया। ठीक, और दूसरा जो है आपका पार्ट जो है वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी, जो कि पूरा हमको इंडियन ज्योग्राफी खत्म करना पड़ता है। यानी कि अब जो आपका ये पेपर है, पूरी तरीके से दो पेपर में, अगर पैटर्न हम यूपीएससी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपका जो ये पेपर है रिप्लेस हो जाएगा हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी के कॉम्बो पेपर से। ठीक है, फिर अगर आप दूसरे पेपर की बात करें, जो अभी का एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो है क्या, इंडियन पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। ठीक है, ये अभी का पैटर्न था। और अगर नया पैटर्न अडॉप्ट होता है तो वो क्या होगा, गवर्नेंस होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वेलफेयर इनिशिएटिव्स हो गया, सोशल जस्टिस हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। यानी कि कुछ टॉप वही चीज टॉपिक है जो कॉमन है, यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन था, वही पेपर जो है अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो मैंने बताया कि इसको अब ये क्या कर देंगे, पहले पेपर में कवर अप कर लेंगे। जो अभी क्या था इसमें हमने क्या किया था बच्चों, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी था, तो यहीं पे ये क्या कर लेंगे, इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें फोर्थ पेपर की, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको ये लोग इससे रिप्लेस करेंगे जो यहाँ पर फोर्थ पेपर है, यानी कि टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पेपर यहाँ पे कवर अप हो गए, यानी कि जो फोर्थ पेपर है
वो इन दो पेपर का कॉम्बो है। कैसे कॉम्बो है, इधर ध्यान दीजिएगा। फोर्थ और फिफ्थ पेपर जो अभी का पैटर्न है यूकेपीएससी मेंस का, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको ये लोग फोर्थ पेपर में कवर अप कर लेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि दो पेपर का ये क्या कर देंगे, यहाँ पर एक पेपर कर देंगे अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स का जो पेपर है उसको ये लोग किसमें चेंज कर देंगे, एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड में चेंज कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा कंट्रोवर्सी होने वाला है और यहीं पर एक कह सकते हो कि की पॉइंट है कि जैसे सुनने में आ रहा है और जो पैटर्न अभी सब स्टेट चेंज कर रहे हैं कि अपने यहाँ से ऑप्शनल को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा यूकेपीएससी बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न ड्रॉप कर रहा है तो क्या ऑप्शनल की वापसी हो रही है, यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शनल पेपर वन पेपर टू, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो उसका पेपर वन होगा ज्योग्राफी पेपर वन और ज्योग्राफी पेपर टू, हिस्ट्री लेते हैं, जूलॉजी लेते हैं, बॉटनी लेते हैं, सबका पेपर वन पेपर टू। तो ये में अभी मुझे लगता है कि थोड़ा डाउट है, ये आ भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, या मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जगह, ऑप्शनल पेपर्स की जगह हो सकता है कि फुल फ्लैश एक उत्तराखंड का पेपर आ जाए। ठीक है, 200 नंबर का पूरा उत्तराखंड का पेपर दे दें, जैसे कहा गया था ना कि 40% जो अभी आज के अखबार में मैंने बताया था सुबह के वीडियो में कि 40% जो है वो उत्तराखंड का कंटेंट रखेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद ऑप्शनल की जगह उत्तराखंड का एक पेपर या दो पेपर, उम्मीद है कि एक ही पेपर रखेंगे जिसमें सारा जो उत्तराखंड है आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, डैम्स हो गया, सारी चीजें, सेंसस हो गया, वो उसमें रख दें। तो ये आप देख रहे हैं ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न का एक जो बदलाव है वो होने वाला है। पर मैंने जो इसके पहले का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि ये जो बदलाव हो रहा है, वैसे तो अगर इसी का, अगर ओल्ड पैटर्न का ही जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है अगर रखा जाएगा तो ये नए बदलाव में आपको काफी टाइम है पढ़ने के लिए। दिसंबर में मेंस है, अभी आप काफी जल्दी इसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने यूपीएससी की तरह टफ क्वेश्चन, यानी कि एंटिकल क्वेश्चन और बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन पूछने कर दिए तो ये बहुत कम टाइम है दिसंबर तक की तैयारी के लिए, तब आपको फुल फ्लैश एक साल से ज्यादा का समय चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये जो तो चेंज है वो समझ में आ रहा होगा, आप में से जो अपर पीसीएस का आपने जो टारगेट अगर जिसने बना रखा है, पर आप में से जो लोअर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या आरओ आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो ओल्ड पैटर्न था वही आपको तैयारी करके चलना है। तो अगर आपको ये जो वीडियो है अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरा कोर्स परचेज करना है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें तो फिर मैं आपको आगे की डिटेल बता दूंगा।